सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आपके पास Realme का Realme 12 Pro Plus का डिवाइस है या फिर दोस्तों अगर आप इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं, सो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले इसी Realme 12 Pro Plus डिवाइस की BGMI टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं PUBG टेस्ट, पूरा डिटेल में गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अंडर 30,000 के कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइस है, जिसमें काफी खतरनाक आपको ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, काफी स्पेशल हमको गेमिंग के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल में गेमिंग टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि कैसा गेम प्ले मिल जाता है, कैसा FPS देखने को मिल जाता है, जायरोस्कोप कैसा है, कितना बैटरी को ड्रेन करता है और कितना डिवाइस यहाँ पे हीट हो जाता है, पूरा डिटेल में गेमिंग टेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप में से कितने सारे लोगों ने इस Realme 12 Pro Plus डिवाइस को ऑर्डर किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों गेमिंग फीचर्स एंड गेमिंग टेस्ट करने से पहले इस डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इस फोन में 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 3D कर्व विजन डिस्प्ले मिल जाता है। एंड बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है वो तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों इस फोन के पावर के बारे में बात करेंगे तो Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इसके अंतुदु बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो 6.5 लाख के आसपास इसका अंतुदु बेंचमार्क स्कोर निकल के आ जाता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करेंगे गेम को स्टार्ट। एंड गेम को स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि इस डिवाइस में क्या कुछ स्पेशल हमको गेमिंग के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गेमिंग साइड बार को स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने के बाद सबसे पहले चीज देख सकते हैं, काफी सारे मल्टीपल एप्स का यहाँ पे फ्लोटिंग विंडोज में कन्वर्ट करने का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे डेडिकेटेड बैलेंस मोड मिल जाता है, डेडिकेटेड पावर सेवर मोड का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद आपको प्रो मोड मिल जाता है, मतलब की परफॉर्मेंस मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गेमिंग फोकस मोड का भी फीचर मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद आपको किसी का भी यहाँ पे डिस्टर्ब देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे नोटिफिकेशंस का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि बुलेट नोटिफिकेशंस या फिर हैंड्स अप नोटिफिकेशंस उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कॉल को ब्लॉक करना गेम खेलते वक्त, तो यहाँ पे कॉल ब्लॉकर का भी फीचर मिल जाता है। स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी अमेजिंग फीचर मिल जाता है, जिसका नाम है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे तो हमको यहाँ पे फीचर मिल जाता है स्मार्ट ड्यूअल चैनल नेटवर्क। एंड इसको इनेबल करेंगे तो वाईफाई का इंटरनेट एंड जो मोबाइल डेटा का इंटरनेट है वो यहाँ पे कंबाइन होके एक बेस्ट फास्टेस्ट हमको इंटरनेट का स्पीड मिल जाता है। लेकिन अगर आपको डिफॉल्ट यहाँ पे सिम का इंटरनेट को सिलेक्ट करना है तो डिफॉल्ट सिम का इंटरनेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे टच ऑप्टिमाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब जो भी सेंसिटिविटी या फिर जो भी मिसटच प्रिवेंशन है उसको इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि यार कर्व डिस्प्ले का फोन है, सो कर्व डिस्प्ले होने की वजह से यार काफी सारे मिसटच वगैरह होते रहते हैं। सो आपके लिए यहाँ पे मिसटच प्रिवेंशन का भी फीचर मिल जाता है एंड टच सेंसिटिविटी का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इसके लिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर के बारे में, जो कि है ओरिएंटेशन लॉक। सो अगर आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन को लॉक करना है तो लॉक करके रख सकते हैं। एंड इसके बाद अगले फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि है क्विक स्टार्टअप। सो अगर आपको क्विक स्टार्टअप चाहिए तो भी आपको फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी अमेजिंग फीचर है, जिसका नाम है वॉइस चेंजर। जी हाँ दोस्तों, वॉइस चेंजर में दे सकते एक नहीं दो नहीं बल्कि आप दे सकते 12 से 13 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वॉइस ओवर देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि साउंड के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपको वॉइस को चेंज करना है तो 12 से 13 इफेक्ट में दे सकते हैं, अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों अगले फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि है सिस्टम स्टेटस। मतलब कि दोस्तों अगर आपको गेम खेलते वक्त यहाँ पे लाइव FPS वगैरह चाहिए, GPU है CPU अगर आपको लाइव स्टेटस देखना है तो यहाँ पे सिस्टम स्टेटस का भी फीचर देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों अगले सेटिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑटो प्ले। सो लॉक कंडीशन में अगर आपको ऑटो प्ले चाहिए सो ऑटो प्ले का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों अगर आपको वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, म्यूजिक है उसके बाद जो भी गेमिंग का वॉल्यूम है सो वॉल्यूम को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों सेटिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर आपको यहाँ पे जो भी फ्लोटिंग विंडो है या फिर स्मार्ट साइड बार से देख सकते फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है, या फिर नीचे के साइड में जो भी नेविगेशन बार है उसमें स्वाइप करने के बाद यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे गेमिंग के जो विंडोज को फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने नेविगेशन बार से ऊपर के साइड में स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने के बाद आपका जो गेम है वो देख सकते यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो चुका है। एंड फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट होने के बाद अगर आपको फ्लोटिंग बबल या फिर जो भी मिनी विंडो है उसमें कन्वर्ट करना है सो काफी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके बाद गेमिंग ग्राफिक्स सीरीज के बारे में बात करेंगे, तो इस डिवाइस में काफी तगड़ी आपको नेक्स्ट लेवल की ग्राफिक्स सीरीज देखने को मिल जाती है।
जी हाँ दोस्तों, स्मूथ में दे सकते हैं, बैलेंस में दे सकते हैं, HD में एंड HDR में दे सकते हैं। शुरू से लेकर एंड तक आपको स्मूथ एक्सट्रीम ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि कॉन्स्टेंटली 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको अल्ट्रा HD मतलब कि 4K स्क्रीन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो अंडर 30,000 की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट आपको यहाँ पे ग्राफिक्स की सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों गेमिंग टेस्ट का शुरुआत करेंगे। एंड गेमिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले जो ग्राफिक्स है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में शुरुआत करेंगे। एंड सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो भी टाइमिंग है, बैटरी, उसके बाद जो भी टेम्परेचर है, सब कुछ यहाँ पे शुरुआती में नोट डाउन करके रखेंगे। सो यहाँ पे जो टाइमिंग दे सकते हैं जो कि है 7:58, मतलब कि लगभग दे सकते 8 बजने वाले हैं। एंड इसके बाद दोस्तों आप दे सकते जो बैटरी बैकअप बचा है वो है 79%। तो शुरुआती की जो बैटरी है 79% है। एंड इसके बाद टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 27 डिग्री का टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर है। स्टार्टअप का टेम्परेचर दे सकते हैं फ्रंट का है 31 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे जो बैक का टेम्परेचर है वो भी दे सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो चलिए देखते हैं कि एक घंटे के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है। एंड इसके बाद दोस्तों मैंने स्क्रीन पर लाइव FPS मीटर को ऑन करके रखा है, सो अगर आपको लाइव FPS वगैरह देखना है तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों शुरुआती में मैंने कोई भी प्रोमोड को ऑन नहीं किया है, मतलब कि कोई भी परफॉर्मेंस मोड को ऑन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे 60 या फिर 61 के जो FPS है उसका सपोर्ट मिलता है। सो अभी फिलहाल के लिए कोई भी मुझे FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला है। एंड दोस्तों गेम प्ले के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने ग्राफिक्स सिलेक्ट किया है जो कि है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में यार काफ़ी स्मूथ हमको यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिल जाता है। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर कोई भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला है, ज़्यादातर यहाँ पे लैग का भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। और ऊपर से हमको यहाँ पे प्रो मोड ऑन करके भी गेम प्ले करना है। सो बाद में हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके गेम प्ले करने वाले हैं। एंड दोस्तों वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो गेम है वो यहाँ पे बैलेंस मोड में चल रहा है। सो बैलेंस मोड में देख सकते हैं कभी कभार मुझे यहाँ पे 58 तक FPS देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम देख सकते हैं एवरेजली 59 या फिर 60 FPS मुझे ज़्यादातर देखने को मिले। एंड इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रो मोड को ऑन करेंगे, मतलब कि इसका जो डेडिकेटेड परफॉर्मेंस मोड उसको ऑन करेंगे। एंड देखते हैं कि क्या कुछ आपको FPS में इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो FPS है वो भी अभी तक स्टिल मुझे 59 या फिर 60 FPS कॉन्स्टेंटली देखने को मिलते हैं। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो देखने को मिल जाता है, ज़्यादा लैग्स तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। चलिए दोस्तों इसके बाद इस ड्रेस में ऑफिशियली हमको HDR एट एक्सट्रीम ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, HDR एट एक्सट्रीम ग्राफिक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देखते हैं कि कैसा गेम प्ले मिल जाता है एंड कैसी ग्राफिक्स की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। एंड वैसे भी देखा जाए तो इसमें भी हमको 58 या फिर 59 के आसपास एवरेजली FPS देखने को मिल जाता है, एंड कभी कभार कॉन्स्टेंटली या फिर 60 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो HDR सेटिंग में यार काफ़ी तगड़ी आपको ग्राफिक्स की सेटिंग देखने को मिल जाती है, ऊपर से हमको यहाँ पे गेम प्ले भी यार काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है। एंड चलिए दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे एक नूसा गेम को ट्राई करेंगे। एंड नूसा गेम में जो बूट कैम है, सो देखते हैं कि बूट कैम में हमको जंप मारते वक्त कितना FPS देखने को मिल जाता है। सो आप भी मेरे साथ यहाँ पे चेकआउट करके देख लेना, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पे लाइव FPS वगैरह ऑन करके रखा है। सो जंप मारते वक्त आप देख सकते यहाँ पे जो एवरेजली मुझे 58 या फिर 59 के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड आगे चल के देख सकते कभी कभार यहाँ पे 56-57 हो चुका है, एंड 55 भी हो चुका है, एंड वन टाइम में देख सकते यहाँ पे 54 भी हो चुका था, लेकिन एवरेजली देख सकते यहाँ पे 58 एंड 59 के आसपास आपको यहाँ पे बूट कैम में जंप मारते वक्त आपको FPS देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन्स कभी कभार 45 FPS पे चल जाते थे, लेकिन रियलमी अभी तक स्टिल बेटर परफॉर्मेंस देता है। एंड इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि यार इस डिवाइस का जायरोस्कोप कैसा है। तो इस डिवाइस का जो जायरोस्कोप है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, स्टेबल है, कहीं भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो आपके लिए जो फोन है काफ़ी बेटर चॉइस रहने वाला है, कहीं भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग यार सोचेंगे कि ये जो डिवाइस है सिर्फ कैमरा के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब कि कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाता है, कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सो
चलिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने जो गेम स्टार्ट किया था 7:58 को गेम स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे लगभग दे सकते हैं 9 बजे है, एंड 9 बजे के बाद दे सकते हैं, मतलब कि एक घंटे के बाद दे सकते हैं। बैटरी कितना बचा है? सो बैटरी बचा है यहाँ पे सिर्फ 62%, जो कि शुरुआती में हमारे 79% बैटरी बैकअप था। सो यहाँ पे एक घंटे के बाद यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे 17% बैटरी ड्रेन हो चुके हैं, जो कि ठीक ठाक है, नॉर्मली ज़्यादातर यहाँ पे कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे जो बैक का टेम्परेचर है 38°C का टेम्परेचर हो चुका है, एंड यहाँ पे जो फ्रंट का टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं 39°C का हो चुका है। सो एक घंटे के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेचर भी देखने को नहीं मिला है, जो कि नॉर्मली काफी सारे स्मार्टफोन्स यहाँ पे 40°C को टच करते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो गेमिंग में कोई भी दिक्कत आपको इस ड्रेस में देखने को नहीं मिलेगी। काफी सारे लोग सोचेंगे कि यार कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गेमिंग परफॉर्मेंस ओवर काफी नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिल जाएगा, एंड अल्ट्रा एचडी में काफी नेक्स्ट लेवल की ग्राफिक सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से ये डिवाइस कैसा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।